हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं जून, ये CBGS में एक पेपर आया था जून 2020 में, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का। मैंने आपको एक जून 2020 का एक पेपर करवाया है, शायद वो ग्रेडिंग सिस्टम का है, बट ये CBGS का पेपर है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी सब जो हैं वो सिंपल थ्योरी बेस्ड हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, ओके, सो आई एम सॉरी, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। डिटरमाइन द सेंसिबल हीट फैक्टर एंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम टू बी इंस्टॉल्ड फॉर अ बैंक बिल्डिंग टू बी डिजाइन फॉर 100%। ओके, द डाटा इज स्टेटेड एज आउटसाइड कंडीशंस दी हुई है, इनसाइड कंडीशन दी हुई है, हमें बिल्डिंग का साइज दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ चेंजेस फॉर इनफिल्ट्रेशन एयर लोड हमें दे रखा है, वेंटिलेशन एयर दे रखी है, इलेक्ट्रिकल लोड दे रखा है, लेटेंट और सेंसिबल हीट रिलीज पर पर्सन दे रखी है। ठीक है, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल है, बट आपको इसमें क्या है, एक्चुअली सेंसिबल लोड जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसमें सेंसिबल हीट लोड हमें दे रखा है। सेंसिबल, हम देखेंगे कौन कौन से सेंसिबल हीट लोड हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसमें एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, सो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सेंसिबल हीट लोड हैं। तो पहला सेंसिबल हीट लोड तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रिकल लोड है, ये जो इलेक्ट्रिकल लोड है ये हमारा सेंसिबल हीट लोड 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 11,500 किलो जूल पर आवर। ठीक है, उसके बाद ये पहला सेंसिबल हीट लोड हो गया। दूसरा सेंसिबल हीट लोड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यू टू दिस सेंसिबल हीट रिलीज्ड पर पर्सन। ठीक है, जो भी लोग, एक बैंक है, ठीक है, आप लोग बैंक गए होंगे, तो बैंक के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिजाइन करना है। ठीक है, उस बैंक में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो अब जो एक पर्सन होता है, जो एक ह्यूमन बींग होता है, वो दोनों तरह के लोड जनरेट करता है, सेंसिबल हीट लोड भी जनरेट करता है और लेटेंट हीट लोड भी जनरेट करता है। ठीक है, तो सेंसिबल हीट लोड एक पर्सन कितना जनरेट कर रहा है, 420 किलो जूल पर आवर, और टोटल पर्सन कितने हैं, 100। तो 420 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 420 किलो जूल पर आवर। ठीक है, मैं यहाँ सामने ही लेटेंट हीट लोड भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला हमारा लेटेंट हीट लोड है। लेटेंट हीट कितनी जनरेट करता है, 625। तो 625 एक पर्सन जनरेट करता है, टोटल लोग पर्सन कितने हैं, 100। तो ये हो जाएगा हमारा 625 किलो जूल पर आवर। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है फॉर वॉल एंड सीलिंग। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जो बैंक होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एक रूम टाइप का होगा। ठीक है, सपोज ये एक बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है, तो इस बैंक में एक्चुअली इस बैंक में क्या होगा, चार वॉल्स हैं, एक वॉल नंबर ये है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, और एक वॉल ये है। ठीक है, पीछे वाली, ठीक है, ये जो टॉप सरफेस है सीलिंग, इसको हम नंबर 5 बोल देते हैं, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको अलग समझ में आए। ठीक है, ये 5 हो जाएगी हमारी सीलिंग। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है वॉल वॉल के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कितना दे रखा है, 18 किलो जूल मीटर पर आवर। ठीक है, और सीलिंग के लिए कितना दे रखा है, 10.5 किलो जूल मीटर मीटर स्क्वायर आवर और केल्विन। ठीक है, तो अब जो हीट ट्रांस जो बेसिकली हीट होती है, जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होती है, यू मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर आउटसाइड का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें, 40, और इनसाइड का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 22। ठीक है, तो सपोज ये एक वॉल है, ठीक है, सपोज ये एक, मैं एक अलग से बताऊँ, सपोज ये एक वॉल है, इसके बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो सपोज कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट यू दे रखा है हमें इस वॉल के लिए, वो कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, 18 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर आवर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो टोटल हीट ट्रांसफर कितनी हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। ठीक है, T1 माइनस T2। ठीक है, तो अब इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे एरिया जो है, देखिए जब हम ये वाले इसमें डायमेंशन हमें क्या दे रखे हैं, बिल्डिंग का साइज 20, 15 और 5, यानी कि 20 मैं इसकी विड्थ मान लेता हूँ और 15 इसकी डेप्थ मान लेता हूँ, और हाइट जो है वो इसकी 5 हो जाएगी, 5 मीटर की हाइट है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा रहता है ना, LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक
ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से मैंने माना है, ठीक है, 5 मीटर ये हाई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हर वॉल, टोटल वॉल्स कितनी है, 4 वॉल्स हैं, ठीक है, तो 4 वॉल्स जो हैं उनका एरिया, ठीक है, तो सबसे पहले हमें हीट लोड निकालना है क्यू, ठीक है, फॉर वॉल्स। क्यू फॉर वॉल्स हो जाएगा यूओ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वॉल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, T1 माइनस T2। फिर उसके बाद हमें निकालना है हीट ट्रांसफर फ्रॉम सीलिंग इज इक्वल टू यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सीलिंग मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2, ठीक है, यहाँ समझ में आया। तो अब हम देख लेते हैं, तो यूओ कितना दिया हुआ है हमें, यूओ दिया हुआ है 18, ठीक है, किलो जूल मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, देखिए इस वाली वॉल जो है, मैं इसको अलग से करता कलर करता कि आपको दिखे, ये वाली वॉल जो है इसका, इस वाली वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5, ठीक है, ये 5 है ना, तो 20 इंटू 5 इस वाली वॉल का एरिया हो जाएगा, और पीछे वाली वॉल का एरिया भी 20 इंटू 5 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ वॉल 2 इंटू 20 इंटू 5 प्लस इस वाली वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5, ये वाली जो वॉल है 15 इंटू 5, और ऐसे ही एक वॉल पीछे की तरफ है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 इंटू 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय T1 कितना है हमारा 40, और T2 कितना है 22, तो 40 माइनस 22, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर ड्यू टू वॉल्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर ड्यू टू सीलिंग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, इस कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना रखा है, 10.5, तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय, नाउ एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो जाएगा, ये 20 है और ये कितना है 15, ठीक है, 20 क्रॉस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 20 क्रॉस 15, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस 22, ठीक है। तो यहाँ से आप ये दोनों लोड भी निकाल सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कि ये कितना आ रहा है, अभी एक बार करके देख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा 113400 किलो जूल पर आवर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 5670 किलो जूल पर आवर, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। तो ये और ये दोनों कैसे लोड होंगे, ये हमारे दोनों ही सेंसिबल लोड होंगे। तो सेंसिबल हीट 1 निकाल लिया था, सेंसिबल हीट 2 निकाल लिया था, सेंसिबल हीट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 113400 प्लस 5670, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सेंसिबल लोड हीट 3170100, ठीक है। तो ये एक लोड मिल गया हमें, ये तीनों लोड हमारे हो गए। अब इसके बाद हमें एक कौन सा लोड निकालना पड़ेगा, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एक लोड ड्यू टू द ये जो इनफिल्ट्रेशन एयर होती है, देखिए जो एयर रूम के अंदर आती है वो भी एक तरीके का लोड जनरेट करती है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका जो भी रूम है, ठीक है, जैसे ये रूम है, ठीक है, तो इसके अंदर जो जो एयर बाहर से आ जाती है, ठीक है, जो इनफिल्ट्रेट होती है, एक होती है वेंटिलेशन एयर, एक होती है वेंटिलेशन एयर, वेंटिलेशन एयर अलग होती है, ठीक है, वो तो आप यूजली यूज करते हो, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट होती है वेंटिलेशन एयर, लेकिन एक होती है इनफिल्ट्रेशन एयर। ऐसे एक्चुअली क्या होता है, जो जैसे जो आपके रूम है उसका जो डोर होता है वो क्या होता है, वो पूरी तरह से जो फ्लोर होती है उससे अटैच तो नहीं होता ना, थोड़ा डिस्टेंस होती है उन दोनों के बीच में, तो उससे कुछ एयर जो होती है वो रूम के अंदर आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो आपकी विंडोज हैं रूम के अंदर, ठीक है, उनसे भी कुछ एयर आ जाती है, तो उस तरह का जो लोड होता है वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन। तो वो लोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो हमारा हो जाएगा, ये सेंसिबल हीट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब उस तरह की जो एयर होती है इनफिल्ट्रेशन एयर, वो लेटेंट हीट लोड भी जनरेट करती है और सेंसिबल हीट लोड भी जनरेट करती है। अब उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम साइकोमेट्रिक चार्ट को यूज़ करेंगे। इनलेट कंडीशन कितनी है, 40 डिग्री सेल्सियस VBT और 26 डिग्री सेल्सियस, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 40 और 26,
और ये कितनी है, ये है हमारी 22 और 55, ये है, सॉरी ये है 22 और 55। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगी लाइन हमारी 26 की, ठीक है। तो 26 देख लेते हैं, ठीक है, ये 26 हो जाएगा, ये 25 है, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 22 और 55, तो ये हमारा 22 है और ये हमारा हो जाएगा कहीं पे 55, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से भी आपको एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से भी आपको एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है। हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं लोड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एयर, ठीक है। तो अब सेंसिबल लोड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एयर जो होगा, सेंसिबल, अब जो हम निकालने जा रहे हैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट 4, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय, इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लेता हूँ, ये 1 है और ये हमारा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, एच ए माइनस एच 2, ठीक है। नाउ मास फ्लो रेट अब कैसे निकालेंगे, मास फ्लो रेट निकालने के लिए, ये जो मास फ्लो रेट है इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसने दिया हुआ है नंबर ऑफ एयर चेंज फॉर इनफिल्ट्रेशन आवर इज 2.8 पर 24 आवर। तो एक फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एयर इज इक्वल टू एल क्रॉस डब्ल्यू या एल क्रॉस बी क्रॉस एच मल्टीप्लाइड बाय ए सी डिवाइड बाय 60, वेयर ए सी इज द एयर चेंज पर आवर, ठीक है। एक घंटे में कितनी एयर चेंज हो रही है, ठीक है, एयर चेंज पर आवर। तो एल डब्ल्यू बी, अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है 20, 15 और 5, तो ये हो जाएगा 20 क्रॉस 15 क्रॉस 5, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसने क्या बोला है कि एयर टू मतलब 24 आवर में 2.8 एयर चेंज हो रही है, तो 1 आवर में कितनी चेंज होगी, 2.8 बाई 24, ठीक है। तो एक घंटे में कितनी होगी, 2.8 बाई 24, ठीक है, क्योंकि ये पर आवर है ना, तो समझ रहे हैं बात, ये कह रहा है 2.8 चेंज हो रही है पर फॉर 24 आवर, 24 घंटे में 2.8 चेंज हो रही है, तो एक घंटे में कितनी चेंज हो रही है, 2.8 बाई 24 डिवाइड बाय 60। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड एयर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 2.91 m³ पर मिनट, ठीक है, ठीक है। इसको पर आवर में अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 175 m³ पर आवर, ठीक है, पर आवर, ठीक है, यहाँ समझ आया। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना है, अब मास फ्लो रेट निकालना है, हमें वॉल्यूम फ्लो रेट पता है, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है 175, तो अब हमें यहाँ पे मास फ्लो रेट निकालना है, अगर हमें मास फ्लो रेट निकालना है, हमें वॉल्यूम फ्लो रेट पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम से, और स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.1 पे आपको देखना होगा कितना है, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ कि जो 1 पॉइंट है, देखिए ये 0.9 है और ये जो है ये 0.92 है, ठीक है, ये 0.92 है, ये 0.9 है, तो ये पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम 0.91 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.91 मल्टीप्लाइड बाय एच ए, कितना है, एच ए आ जाएगा आपका 65, ठीक है, और एच टू कितना है, एच टू आ जाएगा आपका 45, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 38 3846.15 kJ/h। तो ये सेंसिबल हीट लोड हमारा 4 हो गया। लेटेंट हीट लोड कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट लोड हमारा एक निकाल रखा है हमने, तो ये कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट लोड 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय h1 - h a, ठीक है। तो मास फ्लो रेट हमारा सेम रहेगा, मैं इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा हमारा 175 डिवाइड बाय 0.91 इनटू H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू हो जाएगी 80, ठीक है, माइनस HA की वैल्यू कितनी है, HA की वैल्यू है 65, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2884.61 kJ/h, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेटेंट हीट फ्लो टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2884.6 किलो जूल पर आवर। ठीक है, सेंसिबल हीट लोड 3 आ गया था, सेंसिबल हीट लोड 4 कितना आया था हमारा, ये आया था 3846.15 किलो जूल पर आवर। ठीक है, 3846.15। ठीक है, तो हमारे पास चार सेंसिबल हीट लोड आ गए, दो लेटेंट हीट लोड आ गए। ठीक है, अभी हमारे पास एक लोड और आएगा, वो क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ दिस वेंटिलेशन एयर। अब ये जो वेंटिलेशन एयर है इसकी वजह से भी एक लोड आएगा, वो भी सेंसिबल हीट लोड होगा, और उसमें भी क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो वेंटिलेशन एयर है वो भी सेंसिबल हीट लोड और लेटेंट हीट लोड दोनों देगी। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है, हमें वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मास फ्लो रेट, तो मैं निकाल देता हूँ उसको, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए कितना बताया उसने, 4.7 × 10⁻³। तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमें दिया हुआ है 4.7 × 10⁻³। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन पर पर्सन दिया हुआ है, एक पर्सन पर पर्सन, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% के लिए। ठीक है, अब ये पर सेकेंड में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600, किसके लिए हमें निकालने के लिए, मास पर आवर निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको पर आवर निकालना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 के लिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ वेंटिलेशन है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 169.2। ठीक है, 169.2 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, अब हमें इसकी वजह से सेंसिबल हीट लोड निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, HA - H2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 169.2 डिवाइड बाय 0.91। HA की वैल्यू कितनी थी हमारी, 65 - 45, तो ये हो जाएगा 65 - 45। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 37330 किलो जूल पर आवर। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसी के समथिंग आएगी। ठीक है, -45 / 0.91। ठीक है, 37330 एक्चुअली ये 186 आएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिए, ये आ जाएगी 186। ठीक है, 37186। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सेंसिबल हीट 4 निकाल लिए थे, ये सेंसिबल हीट लोड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी यहीं पे लिख देता हूँ, या चलो इसको अलग से लिख लें, इसको यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमारा लेटेंट हीट लोड यहाँ पे कितना निकाल लिया था हमने, 1 और 2 निकाल लिए, तो लेटेंट हीट लोड 3, ये कितना हो जाएगा, ये सेम हम लिख लेंगे 169.2 डिवाइड बाय 0.91 मल्टीप्लाइड बाय, ये है 80 - 65। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 - 65। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 169.2 डिवाइड बाय 1 × 80 - 65। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 27890। ठीक है, किलो जूल पर आवर। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल हमने लोड जो है वो कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, अगर ये इरेज होगा तो। ठीक है, ओके, होने का हम तो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे हम टोटल लोड जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो टोटल सेंसिबल लोड जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, इसको मैं किसी और कलर से लिखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, देखिए वन, ये हो जाएगा 115500 प्लस 2 कितना है, 4200, ये हो जाएगा 42000 प्लस सेंसिबल हीट 3 कितना है, 170 प्लस ये कितना है 3846.15 प्लस ये कितना आया है आपका, ये आया है 37186। जस्ट वेट, लेट मी सी व्हाई इट इज सो लेस, इतना कम क्यों आया है, कुछ मिस्टेक हुई है शायद। जस्ट वेट, अह
इट इज 3718.6, ओके इट इज 3718.6, ओके सॉरी, एंड इट दिस विल बिकम 169.2:0.91 × 80 − 65, ओके सो इट विल 2789 पॉइंट, ओके सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं पॉइंट छूट गया यहाँ पर, 2789.0, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3718.6, ठीक है, तो ये हमारा टोटल सेंसिबल लो हो गया, और टोटल लेटेंट हीट लोड कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 62500 प्लस 2884.6 प्लस 2789.0, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको टोटल जो लोड है हमारे वो मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 231164, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 231165 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, किलो जूल पर आवर, और ये आ जाएगा आपका 62500 प्लस 2884.6 प्लस 2789, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 68173.6 किलो जूल पर आवर, ठीक है, तो अब हमारा जो उसने फाइनल आंसर क्या पूछा है, सेंसिबल हीट फैक्टर पूछा है, तो सेंसिबल हीट फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूम का सेंसिबल हीट डिवाइड बाय रूम की लेटेंट हीट प्लस रूम सेंसिबल हीट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 231165, ठीक है, डिवाइड बाय 231165 प्लस 68173, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.77, ठीक है, तो जो आपका सेंसिबल हीट फैक्टर कितना मिल जाएगा 0.77, ठीक है, और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी आप इन दोनों को सम कर दीजिए, जो टोटल सम आएगा वो इसकी कैपेसिटी रहेगी कि आपको इतनी कूलिंग बेसिकली चाहिए है, तो ये कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 299338 किलो जूल पर आवर, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 299338 किलो जूल पर आवर, ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी रहेगी, ठीक है, तो होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, इसमें कैसे हमने सेंसिबल हीट लोड निकाले, पहला सेंसिबल हीट लोड, दूसरा सेंसिबल हीट लोड, तीसरा सेंसिबल हीट लोड, ठीक है, चौथा सेंसिबल हीट लोड और पांचवा सेंसिबल हीट लोड, ठीक है, पांचवा हमारा सेंसिबल हीट लोड कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, तो ये पांचों सेंसिबल हीट लोड हैं, और लेटेंट हीट लोड कौन कौन से हैं, ये हमारा पहला लेटेंट हीट लोड है, ये दूसरा लेटेंट हीट लोड है, और ये हमारा तीसरा लेटेंट हीट लोड है, टोटल हमने लोड निकाल लिए, उनको ऐड कर दिया तो हमें मिल गया, ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा इसमें आपको बस लोड ध्यान रखने हैं, बाकी न्यूमेरिकल सिंपल है, उतना टफ भी नहीं है, ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके थैंक यू।